नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में दोषी करार दिया गया और 17 साल पुराने मामले में उमेश पाल अपहरण कांड में उसे आजीवन कारावास की सजा प्रयागराज की एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाई। इसके बाद अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल भेज दिया गया। उसे कैदी नंबर 17052 दिया गया है, मतलब अब अतीक अंडर ट्रायल नहीं रहा, इसीलिए उस पर सजा याफ्ता कैदियों की तरह नियम कानून लागू होंगे और उसे अब जेल में काम भी करना होगा। जेल में उसे 25 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से काम करना होगा। वो जेल में झाड़ू लगाएगा, भैंस नहलाएगा, इसके अलावा भी तमाम काम उसके हिस्से में आएंगे। हालांकि कभी जेल में भी अतीक का सिक्का चलता था और सलाखों के पीछे होने के बावजूद भी उसका भौकाल बुलंद था। प्रयागराज की नैनी जेल, देवरिया जेल और बरेली जेल में अतीक की दहशत के कई किस्से रहे हैं। एक वक्त वो भी था जब 2017 में अतीक ने नैनी जेल में सबके सामने जेलर को ही थप्पड़ जड़ दिया था। जी हाँ, दैनिक भास्कर के अनुसार ये खबर 2017 की है, जब अतीक नैनी जेल में जेलर को थप्पड़ मारते नजर आया था। दरअसल यूपी की जेलों में अतीक और उसके गैंग का रुतबा बहुत हुआ करता था। ये बात 2017-18 की है। नाम न देने की शर्त पर एक जेल अधिकारी ने दैनिक भास्कर को बताया, अतीक अहमद नैनी सेंट्रल जेल से ट्रांसफर होकर देवरिया जेल गया था। वहां अतीक को हेल्थ चेकअप कराने के लिए जेल अस्पताल ले जाया गया। किसी बात पर वो फार्मासिस्ट से उलझ गया और उसे थप्पड़ जड़ दिया। जेलर को ये बात पता चली तो वो गुस्से में उसके पास पहुंचा। जेलर को गुस्से में देख अतीक भी भड़क गया। अतीक ने जेलर से कहा, जेलर साहब, मौका जनते नायक मोरे ऊपर 150 केस हैं, तुम्हारे बाल बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं। इस पर जेलर और भड़क गए, उन्होंने हाथ में डंडा उठा लिया। जवाब दिया, अब इसी लाठी से तोड़कर तुम्हें बैठा देंगे, तुम्हारे ऊपर 150 मुकदमे हैं तो बहुत होगा, 151 हो जाएगा, लेकिन हमारे ऊपर एक भी नहीं है, एक हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा रिटायर्ड जेल सुपरिटेंडेंट दैनिक भास्कर को साल 2017 का एक किस्सा सुनाते हुए बताते हैं, प्रयागराज में शुआउट्स कृषि विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ और मारपीट करने के मामले में जनवरी 2017 में अतीक ने कोतवाली में सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जेल के अंदर मोबाइल से बात करने पर मनाही थी, वहां जैमर लगा हुआ था, इस वजह से बैरक के अंदर से अतीक को फोन पर बात करने में दिक्कत हो रही थी। एक दिन अतीक जेलर से मिला और जैमर की फ्रिक्वेंसी कम करने को उसने कहा। जेलर ने जेल मैनुअल का हवाला देते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। जेलर के मना करने पर अतीक भड़क गया और गाली गलौज करने लगा। जेलर ने उसे रोका तो उसने जेलर के गाल पर तमाचा जड़ दिया। अब इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि अतीक का रुतबा और दहशत कैसे थी और वो भी किस तरह से जेल के अंदर जेलर को थप्पड़ जड़ देता था। फिलहाल अब उसके गुनाहों की सजा उसे मिलना शुरू हो चुकी है। पहली बार उसे किसी मामले में सजा सुनाई गई है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि आगे भी जिन मामलों में वो आरोपी है उसमें वो उसे दोषी करार दिया जाएगा और सजा सुनाई जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से एमपीएमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को सजा सुनाई है, उसके बाद अतीक के वकील दयाशंकर मिश्रा ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। जिसको सजा हुई है वो निर्देश देगा तो चैलेंज किया जाएगा। चलिए सर, बैठिए। अभी क्या कुछ पता चल पाया, कहाँ ले जाएंगे ये शासन बताएगा, मैं कैसे बता दूं? चलिए सर, बैठिए। सर आपको दोष मुक्त कर दिया गया है। बैठिए सर, बैठिए। और मुकदमे से आज यही मुकदमा था ना, मतलब जब पार्टी कहेगा तब आपके द्वारा अपील की जाएगी? बिल्कुल, हम लोग निर्देश से उसके निर्देश से ही वह निर्भर करते हैं। मान लीजिए वो मुझको नहीं करता है, अपनी च्वाइस का वो अभिवक्ता कर सकता है अपने बचाव में। आप लोगों के द्वारा क्या बहस करें, क्या दलील दी गई, क्योंकि उसमें 364A भी लगाया गया है, सारी चीजें? वो तो पहले बहस हो चुकी है, आज ये सजा के प्रश्न पर बहस की गई। ठीक सर, आप बैठ जाइए, बस करिए, रुक जाइए। थैंक यू सर।